लाइफस्टाइल डेस्क। अकेलापन जीवन में किसे पसंद होता है? हर किसी को कोई जीवन साथी चाहिए ही होता है। अगर आप भी किसी जीवन साथ के खोज में है तो यह न्यूज़ बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। लड़कियों को समझना मुश्किल है, कुछ हद तक ये बात सही भी है। लड़कियों का कब क्या मूड हो जाए कोई भी नहीं जानता है, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद इतना तो तय है कि आप अगर डेट पर किसी के साथ जा रहे हैं तो उसे इन तरीकों से इम्प्रेस कर सकते हैं। हेयर स्टाइल। लड़कों के हेयर स्टाइल पर लड़कियों का कुछ खासा ध्यान होता है। अगर आप पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहे हैं तो अच्छे से ध्यान रखिए कि आपका चेहरा अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो। दाढ़ी और आईब्रो का बढ़ना ये दर्शाता है कि आप अपने लुक को लेकर बेहद लापरवाह हैं। यह देखने में भी काफी अनहाइजेनिक लगता है। अगर बाल बढ़ा भी रहे हैं तो वीकली ट्रिम करवाते रहें। बियर्ड का फैशन भी है। थ्रेडिंग से बचने के लिए आईब्रो के लंबे बालों को कैंची से ट्रिम कर लें। आपकी स्माइल व्यक्ति की मुस्कान का सामने वाले पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जब कभी भी स्माइल करें तो पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। इससे आपको सामने वाले से नजर मिलाने और बात को आगे बढ़ाने में खूब मदद मिलेगी। कपड़े। लड़कियां हमेशा फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर बहुत अपडेट रहती हैं। ऐसे में उनसे मिलने जाने से पहले अपनी स्टाइल पर थोड़ा ध्यान दें। वैसे सफेद शर्ट, ब्लू जीन्स और शूज का कॉम्बिनेशन एक सदाबहार माना जाता है। माइनर्स। जब भी आप लड़की से मिले तो एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि लड़कियों से हमेशा एक नजाकत से हाथ मिलाया जाता है। इसके अलावा खुद बैठने से पहले लड़की को बैठने के लिए कहा जाता है। हाथ के नाखून, कपड़ों और शरीर को लेकर लड़कियां बहुत सफाई पसंद होती हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके हाथों के नाखून ज्यादा बड़े ना हो, उनमें गंदगी भी ना हो। पसीने की बदबू। गर्मी में बाहर निकलने से पहले एक अच्छा सा डियो जरूर लगाएं। किसी से मिलते समय आपके पसीने की बदबू सारा मजा खराब कर सकती है। आपकी इमेज पर भी गलत असर पड़ता है। ऐसे में आपको बचना चाहिए। बोलने का तरीका। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, अगर आपका बोलचाल का तरीका अच्छा नहीं है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। लड़कियां ऐसे लड़के ज्यादा पसंद करती हैं जो ज्यादा सम्मान पूर्वक बात करते हैं। बैठने का तरीका। जब भी आप उससे मिलने जाए तो उससे पास चिपक कर ना बैठें। ऐसा करने से वो असहज महसूस कर सकती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। थोड़ी दूरी बनाकर बैठें। इससे आप उनकी नजरों में एक परफेक्ट मैन की छवि पालेंगे। जब भी आप उससे मिल रहे हो, बिल देने के लिए पहल आप करें। लाख वो कहे कि वो बिल देना चाहती है, लेकिन उसे बिल ना देने दें। अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह पेश करें। बिल आप दें।